एवरीवन, सो आई एम सो सॉरी, मैं लेट थोड़ा सा रिप्लाई कर रहा हूँ. मैंने कल रात को ही बिग बॉस का एपिसोड देखा और फीलिंग बैड फॉर उमर, क्योंकि वो डिज़र्व नहीं करता रहा इस टाइम पर जाना. क्योंकि अगर हम हिंसा की बात करते हैं तो पिछले कितने सीजनों से हिंसा चलती आ रही है. 13 से शुरू हुआ ये, एंड तब आई थिंक हिंसा ज़्यादा हुई थी. एंड फिर कल बोला गया कि 7-8 हफ्ते पीछे मत जाना. ये ले बेटा. एंड जबकि उसको भी धक्का मारा था, राइट? नहीं नहीं. एंड मुझे बहुत अजीब लग रहा है. और सबसे मेन बात मैं जो कहना चाहता हूँ वो है इसलिए कि करण को कल बहुत लोगों ने आके सुनाया है ये तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो. आई थिंक वो अकेला घर में कैसा इंसान है जो डिग्निटी से खेल रहा है, जो किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता. पर वो घर ऐसा होता है कि लड़ाई झगड़े होते हैं, और जो बाहर से इतना कुछ आकर बोलते हैं उन्हें अपने सीजन में क्या उखाड़ा होता है ये तो सबको पता है. और ये उन सब लोगों के लिए मैसेज है जो हर सीज़न में आते हैं और आकर कंटेस्टेंट के बारे में गलत बोलते हैं, जिनमें अपने सीजन में कुछ नहीं उखाड़ा होता भाई, कुछ भी नहीं. उनको कई साल लगते हैं वापस आते आते बिग बॉस में अपने को प्रूव करने में कि भाई हम भी कुछ इंसान हैं. तो तुम जज मत करो तो ही बेटर है. जैसे सलमान सर ने बोला कि घर के अंदर की सिचुएशन और बाहर की सिचुएशन बहुत अलग होती हैं. हाँ, जब तुम घर के अंदर जाओगे या तुम जब गए थे तुमने क्या किया था वो देखो, दूसरों को जज मत करो. और किसी को इतना डिमीन मत करके आओ कितना कि वो बंदा खेलना ही बंद कर दे. वो इंसान भी गेम खेल रहा है, वो खेलने आया, किसी के लिए नहीं आया. वो किसी के साथ है क्योंकि वो उसे प्यार करता है, पर किसी के लिए नहीं आया, वो अपने लिए भी आया है. सो इन सबको जो कल गए थे, बिग थम्स अप, ग्रो अप गाइस. एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ गाइस, एक्सटेंड हुआ है बिग बॉस. आई एम वेरी हैप्पी कि थोड़ा सा और टाइम मिला है सब लोगों को अपने आप को प्रूव करने के लिए. वोट फॉर माई ब्रदर, वोट फॉर करण कुंद्रा, एंड उसको जिताओ क्योंकि वो ही सबसे बेस्ट प्लेयर है और लीडर क्वालिटी उसी में ही है. सो गिव हिम लव एंड सपोर्ट. जो उमर के साथ हुआ वो मैं नहीं चाहता कि करण के साथ हो.